हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शफीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्रोइलियाइटिस और एसआई जॉइंट डिसफंक्शन के बीच में कोई अंतर होता है या नहीं होता। आज की वीडियो एक मिथ बस्टर वीडियो होने वाली है। कई लोग ये समझते हैं सेक्रोइलियाइटिस और एसआई जॉइंट डिसफंक्शन एक ही टर्मिनोलॉजी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे कि सेक्रोइलियाइटिस और एसआई जॉइंट डिसफंक्शन के बीच में क्या अंतर है और कोई अंतर है या नहीं है या दोनों एक ही मेथडोलॉजी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, सेक्रोइलियाइटिस और सेक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन दोनों अलग अलग मेथडोलॉजी है और दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। एसआई जॉइंट डिसफंक्शन बेसिकली एबनॉर्मल मूवमेंट की वजह से और मिस अलाइनमेंट जो होता है सैक्रम और इलियम के बीच में, उसकी वजह से होता है और उसकी वजह से ही आपको दर्द महसूस होता है। जबकि सेक्रोइलियाइटिस में होता क्या है कि सैक्रम और इलियम के बीच में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो दर्द का कारण उस इन्फ्लेमेशन प्रोसेस की वजह से आपको जो पेन सेंसेशन आते हैं वो उस इन्फ्लेमेशन प्रोसेस का एक नतीजा होता है, रिजल्ट होता है कि आपको पेन होता है। तो सेक्रोइलियाइटिस और एसआई जॉइंट डिसफंक्शन दोनों ही अलग अलग कंडीशन है। सेक्रोइलियाइटिस में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आपको दर्द महसूस होता है, जबकि सेक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन के अंदर, एसआई जॉइंट डिसफंक्शन के अंदर आपको एबनॉर्मल मूवमेंट और सैक्रम और इलियम के बीच में जो मिस अलाइनमेंट होता है उसकी वजह से आपको दर्द ट्रिगर होता है, पेन ट्रिगर होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया सेक्रोइलियक जॉइंट डिसफंक्शन और सेक्रोइलियाइटिस के बीच में क्या फ़र्क होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।